सरदार पटेल की स्मृति में बनना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा भूमिपूजन में आवेला देश वडाप्रधान मनमोहन सिंह गुजरात आवतानी साथे सौ प्रथम साबरमती आश्रम गया हता अने त्यारबाद शाहीबाग खाते आवेल समारंभ स्थल पर पहुंचा हता। आ प्रसंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी घणा समय पछी एके साथे एक मंच पर बिराजमान हता। गुजरातना मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदीए आयोजित समारंभमां पोताना वक्तव्यमां सरदार पटेल अंगे कह्युं हतुं के जो देशना प्रथम वडाप्रधान सरदार पटेल होत तो आजे देशनी तस्वीर अलग ज होत अने देशनुं वर्तमान पण अलग होत। सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करके, सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें। मोदी ने आ बात नो वर्तो जवाब आपता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह्यु हतु के सरदार बिन सांप्रदायिकता मां मानता हता अने देश ने अखंड बनाव्यु छे। તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કોંગ્રેસ પક્ષના હતા, એ વાતનો મને ગર્વ છે કે મેં જિસ રાજનૈતિક દલ કા સદસ્ય હું, સરદાર પટેલ કા સંબંધ ભી ઉસી રાજનૈતિક દલ સે રહા। ઉન્હોને જિંદગી ભર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ કો મજબૂત બનાને કે લિયે ભરપૂર કામ કિયા। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजादी के बाद जो सरकार बनी उसमें सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे। कई बार दोनों के बीच भेदों का जिक्र आता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच सहमति के विषय कहीं ज्यादा थे और दोनों नेता एक दूसरे के विचारों का મોદી અને મનમોહન એક મંચ પર હતા અને મોદી સરદાર પટેલ અંગે જે બોલી રહ્યા હતા એ મનમોહન સિંહ ગંભીર થઈ સાંભળી રહ્યા હતા અને તક મળતા જ એ જ ગંભીરતાથી વર્તો જવાબ આપી મોદીની બોલતી બંધ કરી દીધી હતી। કેમેરામેન ગુરુબક્ષ સંધુ સાથે મિહિર દુધરેજિયા, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ।